क्या दोस्तों आपके पास भी एक स्मार्टफोन है? स्मार्टफोन में आपका दोस्तों कैमरा तो होगा जिससे दोस्तों आप फोटो वीडियो बनाते हैं। क्या दोस्तों आपको अपने फोन की कैमरे की कुछ हिडन सेटिंग पता है जिसकी मदद से आप दोस्तों अपने कैमरे की लाइफ को काफी बढ़िया कर सकते हैं? यहाँ दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ, यदि आप भी दोस्तों कैमरे में फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाने का शौक करते हैं तो आपके लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप दोस्तों अपने कैमरे को DSLR के मुकाबले कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको जानकर आप दोस्तों चौंक जाएंगे। हाँ दोस्तों आपने सही सुना, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ कैमरे की जो सेटिंग आपने कहीं पर सुनी नहीं होगी, कोई जानता ही नहीं है इन सेटिंग को। इन सेटिंग को करने के लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, जैसे जैसे मैं आपको सेटिंग बताऊं वैसे वैसे आपको करना है, फिर आप दोस्तों अपने फोन की कैमरे की क्वालिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं और अदर फीचर्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पर। आइए दोस्तों, यदि आप भी अपने फोन में फोटो वीडियो बनाने के काफी ज्यादा शौकीन हैं या दोस्तों आपका दोस्त वगैरह फोटो वीडियो बनाने का शौकीन है, वो दोस्तों आपसे फोन लेता है और वो आपके फोन में से कुछ वीडियो बनाता है जिससे कि आपकी फोन की रैम काफी जल्दी भर जाती है। यहाँ दोस्तों इस प्रॉब्लम का छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे दोस्तों आपको अपने फोन की सेटिंग वाली एप्लीकेशन को खोल लेना है। सेटिंग वाली एप्लीकेशन को खोलने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले आपको आना पड़ेगा अबाउट फोन में या दोस्तों एडिशनल सेटिंग में। यहाँ दोस्तों आपको अबाउट फोन पर क्लिक करना है। ठीक है, अबाउट फोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन, इसी पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दे रहा होगा बिल्ड नंबर। यहाँ पे दोस्तों आपको 7 से 8 बार क्लिक करना है जिसके बाद आपकी फोन में दोस्तों डेवलपर सेटिंग ऑन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको अब बैक आना है। बैक आने के बाद सिस्टम वाले ऑप्शन में आना है। सिस्टम वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन खोलने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी है हिडन सेटिंग जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। यहाँ दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरह से सेटिंग मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों आपकी एक ऐसी सेटिंग होती है जिसकी मदद से आप दोस्तों अपने कैमरे को बंद कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली बंद कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों आपने जो ये सेटिंग दे दी है सेंसियर ऑफ, इसको दोस्तों ऑन कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप यदि अपने फोन में ऑन कर देंगे इस सेटिंग को तो यहाँ पे दोस्तों आपकी ऊपर से एक सेटिंग ऑन हो जाएगी जिसका नाम है सेंसियर ऑफ। यहाँ पे दोस्तों इस सेटिंग का काम कैसे करना है आपको, यहाँ पे दोस्तों आप यदि इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो आप देख पाएंगे आपका फोन का कैमरा बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा। आपका दोस्त चाहे जितना भी कोशिश कर ले आपके फोन का कैमरा ओपन नहीं होगा इस सेटिंग को यदि आप ऑन कर देते हैं तो। अब दोस्तों आपको कैमरे को पहले ऐसा करने के लिए यहाँ पे आपको सेंसियर सेटिंग को ऑन कर देना है, मतलब कि ऑफ कर देना है, जिसके बाद आपका कैमरा पहले की तरह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब दोस्तों करते हैं आपको अगली सेटिंग के बारे में जो कि आपकी सेकंड हिडन सेटिंग होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आपको अपने कैमरे को ओपन करना है। कैमरे को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर सेटिंग वाला ऑप्शन दिख रहा है या दोस्तों किसी के फोन में साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे दोस्तों आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा होगा मोर सेटिंग, इसी पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह की सेटिंग आ जाती है। यहाँ दोस्तों आपको सबसे पहली सेटिंग करनी चाहिए जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है, जैसे कि दोस्तों आप ब्रांड की फोटो खींचते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपका नाम नहीं आता है। यहाँ दोस्तों आप यदि वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, वाटर मार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप दोस्तों अपना फोटो में अपना नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है हर्ष, या दोस्तों आप अपने फोन की कंपनी को भी सेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप दोस्तों मॉडल नेम को भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यदि आपके फोन में कैमरा काफी ज्यादा भद्दा है या दोस्तों आप जब कैमरे से वीडियो बनाते हैं तब आपके कैमरे की क्वालिटी बहुत बेकार आती है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक सेटिंग दी होती है जो कि है रीसेट। यदि आप अपने फोन की कैमरे की सेटिंग को रीसेट कर देते हैं तो आप देख पाएंगे आपके कैमरे की क्वालिटी काफी हद तक बढ़ जाएगी और जो आपकी वीडियो बेकार बनती थी वही वीडियो दोस्तों DSLR के मुकाबले बनने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपके कैमरे की आलतू फालतू सेटिंग रिमूव हो जाएगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपका कैमरा काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको अपने फोन की सेटिंग वाली एप्लीकेशन को खोलना है। सेटिंग वाली एप्लीकेशन को खोलने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कैमरा। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओपन कैमरा।
ओपन कैमरा में दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यदि आपने अपने फोन में क्विक एक्शन को बंद करके रखा हुआ है इस तरह से, यहाँ पे दोस्तों आपका मतलब होता है कि यदि आप अपने कैमरे से फोटो वगैरह खींचते हैं तो आपने देखा होगा काफी रील में खींचता है। यहाँ दोस्तों आप इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आप देख पाएंगे, आप दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे फोटो खींचने के लिए आपका फोटो अपनी गैलरी में, ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया फीचर्स है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे दे रहा होगा टर्न ऑन फ्लैश लाइट, रेडियो ऑडियो, ओपन कैमरा, ओपन फेसबुक, ओपन ऐप। यहाँ पे आप दोस्तों टर्न ऑन ऑफ फ्लैश लाइट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया सेटिंग दी हुई है। यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और ऊपर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग मिल जाती है जिसका नाम है कैमरा स्विच्ड सेटिंग्स। इस सेटिंग को खोलने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको साफ साफ बता दूं, यहाँ पे दोस्तों आपका कैमरा ऑटोमेटिक काम करता है, वो दोस्तों रोकने के लिए यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन कर देना। ठीक है, इस सेटिंग को ऑन करते ही आपका दोस्तों कैमरा ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा, फिर आपके फोन की रैम भी नहीं भरा करेगी और काफी लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, इस तरह से आप दोस्तों अपने फोन के कैमरे की लाइफ को काफी ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं। यदि आपको दोस्तों ये सेटिंग पता थी तो बढ़िया बात है, नहीं पता थी तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है किस तरीके से आपको अपने फोन के कैमरे की क्वालिटी को बढ़ाना है और अपने फोटो की क्वालिटी को बढ़ाना है, और साथ ही में जो मैंने आपको हिडन सेटिंग बताई है उनको दोस्तों आप यूज करिए और अपने दोस्तों को दंग करिए। ठीक है, वीडियो में जानकारी आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, जिससे कि भी उनको कैमरे की हिडन सेटिंग के बारे में पता चल जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम चलते हैं, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए राय राधे, जय श्री माँ का।